श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जय साईराम। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को समर ऑडियो की तरफ से फिर से एक बार स्वागत करते हुए मैं समर रॉय आपके सामने फिर से एक बार हाजिर हो गया हूँ। आज हम देखेंगे डबिंग कैसे किया जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं एक कार्टून, छोटा सा कार्टून फिल्म है जिसमें हम लोग डबिंग करेंगे। तो डबिंग के लिए हमको चाहिए एक कंप्लीट साइलेंट रूम जिसमें वॉइस ओवर आर्टिस्ट डबिंग करेंगे, और दूसरा एक रूम चाहिए जिसे कहते हैं कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम में आपका कंप्यूटर्स, आपका अदर्स जो गियर्स जो है ये सब रहेगा, और जो डबिंग रूम है वहाँ से वॉइस ओवर आर्टिस्ट का जो वॉइस है वो वॉइस माइक्रोफोन के ज़रिए आप कलेक्ट करेंगे और अपना जो मिक्सर है उसके थ्रू प्रोड्यूस में आप उसको लेआउट देंगे। तो ये सब करने के लिए आपको जो करना है वो है कि पहले आपको माइक्रोफोन को प्लेसमेंट करना पड़ेगा, वोकल के सामने आपका माइक्रोफोन को प्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो देखिए ये प्लेसमेंट कैसे होता है। उसके बाद आर्टिस्ट जो हिंदी का टाइमलाइन देखेंगे, मतलब जो लैंग्वेज में हो, फिलहाल यहाँ पे तो हमारा हिंदी लैंग्वेज में है तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं हिंदी टू बंगाली। बच्चों के लिए फिल्म है ये, कार्टून फिल्म, उसको हम लोग हिंदी से बंगाली में कन्वर्ट कर रहे हैं। प्रो टूल्स में जब आप कोई वीडियो को इम्पोर्ट करेंगे डबिंग करने के लिए, तो उसको इम्पोर्ट करने के साथ साथ एक वीडियो ट्रैक आएगा और उसके नीचे उस वीडियो का जो ऑडियो ट्रैक है वो भी आ जाएगा। अभी आपका जो वीडियो विंडो है, ये विंडो को देखते हुए उसमें जो ऑडियो फाइल्स है उसका टाइमलाइन जो है और उसका टाइमिंग जो है उसके साथ मैच करते हुए आप देख रहे हैं, ये देखिए मैच करते हुए उसमें रिकॉर्ड किया जाता है और उसी को बिल्कुल 100% टाइमलाइन में मैच किया जाता है। इसे बोलते हैं टाइमलाइन सिंक और लिप सिंक। अगर पिक्चर में किसी कैरेक्टर का लिप के साथ ये डायलॉग होता है तो आपको उसको देखते हुए, वीडियो को देखते हुए उसको एडजस्ट करना पड़ता है काट पीट करके। देख रहे हैं हमारा जो इंजीनियर्स है ये सब कर रहे हैं, वो मतलब जो रिकॉर्ड हो गया है ऑडियो उसको, जो ऑडियो ट्रैक है हिंदी का उसको देखते हुए उसका टाइमलाइन को मेजरमेंट करते हुए और उसको बिठा रहा है और सेट कर रहा है। अभी आर्टिस्ट के साथ रिएक्ट करने के लिए या कॉरेस्पॉन्डिंग करने के लिए आपके पास एक मॉनिटर माइक्रोफोन होगा जिसके ज़रिए दूसरा रूम पे स्क्रीन के सामने जो बंदा बैठा हुआ है उसके साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे ही इंटरेक्ट करते हुए, नेविगेशन करते हुए आपको पूरा जो प्रोजेक्ट है उसको आगे लेके जाना है। अब देख रहे हैं यहाँ पे जो वीडियो का जो ऑडियो है ठीक उसका नीचे नीचे आपको ये ऑडियो जो आपने डब किया है और डब किया हुआ ऑडियो आपको सेट करना पड़ेगा ताकि आपको लगे कि ये जो लैंग्वेज में ये बोला है 100% सिंक है, मतलब वीडियो के साथ 100% सिंक जा रहा है। तो इसके लिए आपको और भी चीज़ चाहिए, आपका जो वॉइस डबिंग रूम है वहाँ पे भी एक मॉनिटर होना चाहिए जिस मॉनिटर को देखते हुए वॉइस ओवर आर्टिस्ट कैरेक्टर का जो स्टाइल है, बात बोलने का जो स्पीड है उसी स्पीड में वो उसको बात को कन्वर्ट कर सकता है, उसका ढंग को कन्वर्ट कर सकता है, उसका मूड को कन्वर्ट कर सकता है। इस प्रोजेक्ट के दौरान आपको दो तीन चीज़ें याद रखना पड़ेगा मेनली, कि आपका नियर फील्ड मॉनिटर जो है उसका वॉल्यूम ज़्यादा मत रखिए, जितना मुनासिब रख सकते हैं उतना ही अच्छा है, क्योंकि वॉल्यूम अगर कम रहेगा आपका लिसनिंग प्लेजर के लिए, जितना होना चाहिए उतना ही वॉल्यूम रखिए।
और उस तरफ हेडफोन लीकेज अगर ना आए तो बेहतर है, क्योंकि अगर हेडफोन लेवल बहुत ज़्यादा रहेगा तो भी लीकेज जा सकता है। तो कंट्रोल रूम से उसका आवाज़ उनका रूम तक पहुंच सकता है और आपका जो वोकल ट्रैक जिसमें आप रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें असर फेंक सकता है। इसीलिए कम्प्लीटली ड्राई रिकॉर्ड करने के लिए आपको जो चीज़ चाहिए, आपका मॉनिटर लेवल कम रखें, हेडफोन लेवल जितना हो सके कम रखिए, क्योंकि हेडफोन लेवल अगर ज़्यादा रहेगा तो वोकल ट्रैक में इफेक्ट आ सकता है, लीकेज जा सकता है, तो इसको थोड़ा सा कम रखें तो ही बेहतर है। वोकल आर्टिस्ट को माइक्रोफोन से कम 6 इंच दूर रखिए और बीच में एक पॉप गार्ड भी दीजिए ताकि हवा की आवाज़ जैसे प फ व इसका जो प्लोसिव साउंड है वो बिल्कुल ना आए। तो आपका जो बहुत ज़बर आर्टिस्ट है उनको कहिए कि कम से कम 6 इंच दूर में बैठने के लिए। और एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि डबिंग करते वक्त आपको स्क्रिप्ट भी चाहिए। अगर ये स्क्रिप्ट अगर कागज़ का होगा तो उसको जब आप चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली उसका नॉइज़ तो आएगा ही। तो आप कोशिश कीजिए अगर सॉफ्ट कॉपी में आपका पास अगर स्क्रिप्ट हो तो बेहतर है, क्योंकि उसमें कोई नॉइज़ तो नहीं आता, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में चलता है वो। चलिए अभी देखते हैं हमारा बहुत ज़बर आर्टिस्ट जब बैठे हुए हैं तो उनके साथ कैसे हम लोग सेटअप करते हैं। पहले आप उनको एक स्टेबल पोजीशन में बिठा देंगे जहाँ से मतलब फीडबैक ना आ जाए या रिफ्लेक्शन ना आ जाए। हेडफोन का दोनों तरफ कभी बजता नहीं है, क्योंकि स्टूडियो हेडफोन हमेशा एक ईयर में बजना चाहिए, दूसरा ईयर आप खुला रखिएगा। लेकिन जिस तरफ आपका आवाज़ आ रहा है हेडफोन से, जिस तरफ से आवाज़ आ रहा है उसी को कान में डालते हुए दूसरा जो साइड है उसको खोल के रखिएगा। इसमें क्या होता है, वॉइसओवर आर्टिस्ट जो है उनको खुद का आवाज़ भी सुनाई देता है, जो मिक्सर से होके आ रहा है उसका साउंड भी सुनाई दे रहा है, और उसी रूम के अंदर जो साउंड हो रहा है वो भी सुनाई दे रहा है, तो उसमें उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है। तो इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, 6 इंचेस अपार्ट फ्रॉम द माइक्रोफोन आप कीजिए, उसको पोजिशन करवा दीजिए, और इसके बाद जो मेन स्क्रीन है उसको देखते हुए आप डबिंग शुरू कर सकते हैं। जब आर्टिस्ट को बिठा देंगे वहाँ पे, उसके बाद आपको उनका वॉइस लेवल चेक करना पड़ेगा, आपका जो मिक्सिंग कंसोल है वहाँ पे। और आपको तो याद है कि उनका वॉइस लेवल कभी भी -10 dB से ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो आपको उसी हिसाब से पूरा रूम का जो नॉइज़ है, फ़ैन का नॉइज़ है, सब कुछ बंद करके उनका वॉइस का एक सैम्पल रिकॉर्ड कीजिए या सैम्पल को उनको पढ़ने बोलिए और उनका PFL आप चेक कीजिए। तो जैसे आपका PFL चेक करेंगे तो प्रोड्यूस में आपको 100% उसका इनपुट लेवल आपको दिखा देगा, और उसी लेवल को आप एडजस्ट करते हुए आपका प्रिपरेशन रेडी कीजिएगा। जादूर खेलना कोनो एक समयर कथा। एक ग्रामे गोपाल नामेर एक कृषक तार परिवारेर साथे बहुत बड़ा आर्टिस्ट उनका स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, उसी वक्त आपको उनका लेवल चेक करना है। कंप्रेसर अगर आप दे रहे हो उसको भी चेक करना है, लिमिटर दे रहे हैं या गेट दे रहे हैं या एक्सपेंडर दे रहे हैं, सब के सब जो प्लग सब दे रहे हैं उसको फाइनली चेक करके एकदम परफेक्ट कर दीजिए उसको, देन आप रिकॉर्ड करने शुरू कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि जब सेटअप फाइनल हो गया उसके बाद रिकॉर्डिस्ट उनका वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं, साथ ही साथ उनका जो ईयर लेवल जो है ईयर लेवल बैलेंस भी कर रहे हैं, क्योंकि उनका हेडफोन में अगर ज़्यादा नॉइज़ जाएगा या ज़्यादा वॉल्यूम जाएगा तो डिस्टर्ब हो सकता है, तो इसीलिए उसको भी आप एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप फाइनली शुरू कर सकते हैं डबिंग करना। लेकिन डबिंग करते करते आपको ये भी चीज़ हमेशा याद रखना पड़ेगा कि जो ऑडियो लेंथ जा रहा है ऊपर, उसी ऑडियो लेंथ के साथ साथ आपका ट्रांसलेटेड जो ऑडियो है उसका भी लेंथ बिल्कुल बराबर होना चाहिए। साथ में अगर स्क्रीन में कोई भी कैरेक्टर का अगर लिप सिंक है, मतलब उसका लिप में अगर कोई आदमी बात कर रहा है या कोई बच्चा बात कर रहा है, तो हमेशा उसका लिप सिंक के साथ ऐसे सेट होना चाहिए ताकि आपको लगे कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट उनका ही कैरेक्टर में बैठे बात कर रही है या बात कर रहा है।
इसे बोलते हैं 100% लिप सिंक। ये सिंक जितना अच्छा होगा आपका डबिंग क्वालिटी भी उतना अच्छा होंगे, साथ में आपका ऑडियो क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए। डबिंग करते करते अगर कोई भी लाइन गलत बोल दिया तो आप उसको 5 इन करके उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि बीच में एक वर्ड गलत गया है, उसको 5 इन करके हम लोग टिक कर रहे हैं। सब जहाँ पे गलत हुआ है एग्जैक्ट उसी पॉइंट में आपको 5 इन करना है और साथ साथ 5 आउट भी करना है, उसके बाद आप उसको सेट कर लीजिएगा। अभी देखिए जहाँ पे मिस्टेक हुआ था उसी लाइन को हम चेंज करते हैं 5 इन के ज़रिए, उसी जगह जो खाली जगह है उसमें हम 5 इन करेंगे और जैसे वो बोल देगा उसके बाद 5 आउट कर लेंगे। आपने देख लिया जो 5 इन हुआ और 5 आउट भी हुआ, अभी इसको एडजस्ट किया जाएगा। ऊपर का जो वीडियो का ऑडियो लाइन है उसके साथ इसको एडजस्ट किया जाएगा। यहाँ पे जो 2 ऑडियो चंक है इस चंक के बीच में एक क्रॉस फेड दे दीजिएगा ताकि एक झटका सा साउंड ना आ जाए, क्योंकि ये बीच में गलत हुआ था उसके बाद उसको ठीक किया गया है। दोस्तों कार्टून डबिंग करते वक्त कभी कभार आपको चाइल्ड वॉइस ओवर आर्टिस्ट की भी ज़रूरत होती है, तो उनको भी आप उसी हिसाब से बिठाएं ताकि उनका साउंड भी ठीक ठाक से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। माइक्रोफोन से कम 6 इंच अपार्ट उनको बिठाना पड़ेगा और बीच में एक पॉप फिल्टर रहेगा। हाथ में कागज़ का स्क्रिप्ट ना दे तो अच्छा है, अगर आईफोन है या आईपैड है या कोई एंड्रॉयड फ़ोन है तो उसमें आराम से कोई भी सॉफ्ट कॉपी स्क्रिप्ट का आ जाता है। तो और उनके सामने एक बड़ा स्क्रीन रहेगा, जो स्क्रीन में जो कार्टून का पिक्चर वहाँ चल रहा है आपके सामने जो चल रहा है उसका एक पोर्शन यहाँ पर भी चल रहा है, वो देखते हुए कार्टून का जो कैरेक्टर है उसको देखते हुए उसका टाइमलाइन को देखते हुए वो उसी हिसाब से उसका वॉइस को थ्रो करेगी ताकि उसके साथ मैच कर जाए। और आप अगर जो रिकॉर्डिस्ट हैं आपको लेकिन 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उनको उनमें से मतलब उनसे ये काम आपको करवा लेना चाहिए, तभी आप बहुत फेमस और क्रिएटिव साउंड रिकॉर्डिस्ट कहा जाएंगे। आप देख रहे हैं कि आपका कंट्रोल रूम में राइट हैंड में जो स्क्रीन है मिक्स यूनिट जिसको कहा जाता है, सेम स्क्रीन वोकल रूम में भी है और उसी स्क्रीन को देखते हुए आर्टिस्ट वॉइस डब कर रही है। और आपका इधर जो एडिट विंडो है वहाँ पे हर एक कैरेक्टर का अलग अलग ट्रैक में रखिएगा आप, मतलब अलग अलग वॉइस कैरेक्टर जो है उसको अलग अलग ट्रैक में रिकॉर्ड करेंगे ताकि एडिटिंग करते वक्त आपको कोई इक्यूज का लफड़ा ना आ जाए और आप बहुत प्यार से इसको मिक्सिंग कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आर्टिस्ट के साथ इन्होंने कैसे इंटरेक्ट करके उसको फाइनल रूप दिया। अरे बंधुरा तुम्हारा जानो आज जोकुन मालिक खेलना আমরা তো এটা বললাম না আমি তো আজ কিছু শুরু করতে পারিনি কিন্তু এক বাচ্চাকে সাথে নিয়ে এসেছি সত্যি হে ভগবান বলো না হ্যাঁ তারপরে আছে গোলাপী পুতুল পাগল ওটা একটা জাদুই জল দেখি সত্যি হে ভগবান ভালো হয়েছে ওই বাচ্চাটার ভিতরে পড়ে যায়নি কিউ ऐसा क्या है उस पानी में जो उस बच्चे के उसमें गिरते ही हम सबका जीवन खत्म हो जाता क्यों ऐसा क्या है उस पानी में जो उस बच्चे के उसमें गिरते ही हम सबका जीवन खत्म हो जाता क्यों एमुन क्यों एमुन की आछे ओई जले ठीक आछे अरे पोटा सुनबो जो उस बच्चे के उसमें गिरते ही हम सबका जीवन खत्म हो जाता तो फ्रेंड्स चलिए आखिर तक सुनते हैं और मिलते हैं कुछ नया एपिसोड लेके अगले हफ्ते इस एक दिन पर। नमस्ते जी। কেনো এমন কি আছে ওই জলে যে ওই বাচ্চাটা ওই জলে পড়লে আমাদের সবার জীবন শেষ হয়ে যেত যে ওই বাচ্চাটা ওই জলে পড়লে আমাদের সবার জীবন শেষ হয়ে যেত চলে এসো ইউ আর ফ্রি আপনার ছুটি থ্যাংক ইউ।
Smoking, no cooking, the hot bar. I keep fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up, open the park.